लाइट बंद थी ना तो मैंने चालू किया, रंग जरूर दिखा देती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या बनाया। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है ना, लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। मैं आप लोग को बैक साइड से दिखाती हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना ऐसे। तो ये देखिए मैंने शंकर पारी बनाई है और यहाँ पर ना करंजी का जो अंदर का मिश्रण था वो तैयार करके रखा हुआ है, तो मैं करंजी बनाऊंगी शाम को। क्या क्या बन गया है? सॉरी, शंकर पारे बन चुके हैं और करंजी का जो अंदर का मिश्रण होता है वो तैयार हो गया है। मेरा काजल फैल गया है शायद, ये देखिए हमेशा फैल जाता है ये। और आज ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा जो पता नहीं कहाँ चला गया स्टैंड, मिल ही नहीं रहा है, ढूंढना पड़ेगा अभी क्योंकि दिवाली की साफ सफाई कर रही थी ना तो शायद यहाँ वहाँ हो गया होगा। मैंने कहा चलो बाद में देखती हूँ। और आज पता है मैंने ना ऐसे ही सारी मतलब तैयारी जल्दी जल्दी की है और अभी मैं जाऊंगी रंगोली बनाने के लिए, बाहर रंगोली निकालनी है। मैंने कहा चलो रंगोली निकालनी है, अभी सुबह ही निकालने वाली थी पर कावे जागी थी ना, और जब कावे जागी होती है ना तो मुझे कुछ काम नहीं करने देती क्योंकि अगर उसको पता चल गया ना कि मैं रंगोली निकाल रही हूँ तो फिर वो सारी रंगोली लेके बैठ जाती है। और पता है अभी अभी इसी महीने में मैं 3 बार रंगोली लेकर आ चुकी हूँ और एक बार अभी बचा के रखी है, 3 बार खराब हो चुकी है। मैंने कहा इस बार काले के हाथ नहीं लगने दूंगी, 1 मिनट मैं जरा रख देती हूँ। तो अभी बैठ कर आपसे अच्छे से बात करते हैं। तो ये ब्लॉग ना काफी दिनों से चल रहा है मेरा, तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग को ना मैं आज मतलब एंड कर दूंगी क्योंकि आज धनतेरस है। तो मैंने कहा चलो धनतेरस पर मैं सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दे देती हूँ। तो हैप्पी धनतेरस, और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज धनतेरस है और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या क्या लेकर आए हैं धनतेरस के दिन। खरीद कर कहते हैं कि आज के दिन बर्तन लेना बहुत शुभ होता है, मैं भी जाने वाली हूँ शाम को लेने के लिए। कल गई थी मैं मार्केट लेकिन कल ना मुझे कुछ भी मार्केट में अच्छे से ले नहीं पाई क्योंकि और कल ना मतलब सब लोग बहुत गर्दी थी, सब लोग पूजा वगैरह का सामान वगैरह ले रहे थे। तो ये आज जाएंगे लेने के लिए और देखूंगी अगर मेरे को जाने को मिला तो मैं भी जाऊंगी। और कुछ बर्तन वगैरह लेने हैं, काहे उठ गई है तो मैं रंगोली निकालने के लिए जाना था, मैं जा ही नहीं पाई। मैंने पता है कल ना कल जब हम लोग मार्केट गए थे ना तो मैं अपने लिए बैंगल्स लेकर आई थी, ये वाले कंगन, ये ग्रीन वाले लिए हैं मैंने। ये ग्रीन वाले पता है घर पर पहनने के लिए लिए है मैंने क्योंकि मैं घर पर इस तरीके के ही पहनती हूँ हमेशा। आप देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, मैं हमेशा जब भी घर पर पहनती हूँ तो मैं ये इस तरीके से लेती हूँ। अब की बार मुझे ये वाले इस तरीके के नहीं मिले तो ये वाले ले आई मैं। मैंने कहा चलो ये भी अच्छे ही लग रहे हैं, थोड़ा चेंज भी होने चाहिए और चेंज भी करते रहना चाहिए डिजाइन को, हमेशा सेम सेम डिजाइन पहनेंगे तो बोर हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है इस बार ये वाले तो यही सही अच्छे लग रहे हैं, देखो है ना काफी अच्छे लग रहे हैं ना, और इस तरीके से बहुत सुंदर लगते हैं ना देखो, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये कांच के होते हैं और कांच के मतलब इस तरीके के जो कंगन होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं देखो। और ये वाले भी कांच के हैं और एक लेकर आई थी मैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे मुझे लेकिन ना वो मतलब बहुत जल्दी नहीं, काफी टाइम यूज किया मैंने उसको लेकिन वो खराब हो गए और फिर वैसा डिजाइन मुझे मिला ही नहीं। पूरे मार्केट में मैंने ढूंढ लिया वो डिजाइन मुझे नहीं मिला तो ये वाले मुझे मिल गए। फिर मैंने बोला ठीक है चलो तो ये तो यही सही तो ये ले लिए। और इस बार गई हूँ तो ये वाले नहीं मिले हैं और ये वाले मिल गए तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मैं ये भी लेकर आई हूँ, कल दिवाली है ना तो दिवाली पर ये वाले पहनूंगी मैं, अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले लेकर आए। शायद आप लोग को ना आवाज आ रही होगी क्योंकि ना कल दिवाली है ना तो आज सब लोग लाइटिंग वगैरह लगा रहे हैं बाहर दरवाजे पर और मैंने भी दरवाजा खोल के रखा है क्योंकि मैं जा रही थी रंगोली निकालने के लिए। तो अभी जाऊंगी मैं रंगोली निकालने के लिए, तो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, धनतेरस की आप लोग को शुभकामनाएं दे देती हूँ, इसीलिए मैं नहीं गई और दरवाजा खोल के रखा है। सुंदर लग गई ना ये मेरे ड्रेस से, कल वाले ड्रेस से मैच हो जाएंगी। और आज जाना है मार्केट तो देखते हैं बर्तन वगैरह क्या लेकर आएंगे। और अभी मैं बाहर जाऊंगी रंगोली निकालने के लिए और फिर बाद में ना शाम को करंजी वगैरह बनाऊंगी। और ये देखो मैंने ना आज नया वाला कुर्ता पहना है, कैसे लग रहा है ये वाला कुर्ता, रेड कलर का है ना, अच्छा लग रहा है। मैंने आप लोग को दिखाया था ना और मैंने इसको फिटिंग ना खुद से ही किया है और मैं कहीं बाहर नहीं लेके गई, मैंने क्योंकि मशीन घर में आ गई है तो मैंने कहा चलो खुद से करके देखते हैं क्योंकि मैंने सिलाई मशीन सीखी हुई है तो इसीलिए मैंने खुद से कर लिया। और देखो ये
नए वाले मैंने झुमके पहने हैं, कैसे लग रहे हैं? वैसे ना मैं सोच रही थी कि रेड कलर के लूँ, तो मैंने ना तभी इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये जो कुर्ता है ना ये इनकी पसंद का है, इन्होंने मेरे लिए लिया है। तो मैं जब झुमके ले रही थी ना, तो मैंने ये अपने साड़ी के हिसाब से लिए थे कि मैं साड़ी पर पहनूंगी ये वाले, और जो एक पिंक कलर ड्रेस मैंने लिया है तो उससे तो मैंने ले लिया है मैचिंग के कान के, पर इसके नहीं ले पाई, तो मैंने कहा चलो ये वाले ही पहन लेते हैं, कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे ना? कहा बाहर जाते बाहर कौन रहते, डेकोरेट करते हैं, इस कारण दिवाली है ना उद्या, मतलब लाइटिंग वगैरह लावता है आपले पण लावे चाल, बाबा येणार ना तेव्हा लावे, बाबा राहिले तो। चलो मैं जाती हूँ रंगोली बनाने के लिए, और ना आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग जो है दिवाली के लिए होगा, तो कल वो लोग देखना ना भूलेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना, तो कल का जो ब्लॉग होगा वो दिवाली के। हाँ, जापन लवकर या बाय, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और ये ना मैं यहाँ पर रंगोली के कुछ ना मैंने इस तरीके से पैटर्न्स बनाए हैं, और मुझे ना रंगोली बनाना वैसे तो आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है ना मैं देख देख कर बना पाती हूँ, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इस बार देखिए मैंने ये आइडिया निकाला है, मैंने ना कार्डबोर्ड पर इस तरीके से डिज़ाइन बनाए हैं, और मैंने एक बार अभी आप लोग के साथ शेयर भी की है, तो आप लोग देख सकते हो वो रंगोली कितनी प्यारी लग रही थी ना। तो मैंने कहा चलो भले सिंपल सी सही, लेकिन ना इजी भी हो जाएगा, और जिनको रंगोली नहीं आती ना वो इस तरीके से कार्डबोर्ड पे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाकर इस तरीके से कट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बना सकते हैं। मुझे तो फिर भी कम डिज़ाइन आते हैं, आप लोग को अगर अच्छे अच्छे आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बनाया है चाय नाश्ता, मतलब भजिया और चाय, और ये फिर से शाम के लिए मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी, वो सुबह की चाय थी, और ये वीडियो ना डायरेक्ट शाम से स्टार्ट हो रहा है अभी। तो यहाँ पर जो है मैं दाल वगैरह ये डोसे के लिए भिगा के रख रही हूँ, और यहाँ पर रही है मेरी चाय, मतलब बन चुकी है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी पता है आप लोगों को कितना टाइम हो रहा, सुबह के ना 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ, मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल से व्लॉग कंटिन्यू है। मैंने कहा चलो अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और फिर जो है करना है सारी तैयारी। आप लोगों को पता है दिवाली आ रही है, और दिवाली के ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ही मतलब टाइम बचा है दिवाली का, और 4-5 दिन ही बचे हैं, 4-5 दिन शायद 6-7 दिन बचे हैं। तो मैंने कहा चलो पहले एक काम करते हैं, और मुझे ना आज कुछ बनाना है, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि दिवाली के लिए फरसान बनाने होते हैं, तो मैं सोच रही शुरुआत करते हैं बेसन के लड्डू से। तो मैं आज बनाऊंगी बेसन के लड्डू, फिर उसके बाद में देखते हैं चकली चूड़ा क्या क्या बनना है। तो मैं चलिए पहले मैं जाऊंगी, पहले मेरे लिए बनाऊंगी मैं चाय थोड़ी सी, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है, तो बाहर का थोड़ा सा काम हो गया हल्का, तो मैंने कहा चलो मैं पहले चाय बनाने आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं सूजी के और बेसन के लड्डू। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और रवा भी लिया है साथ ही साथ, और यहाँ पर मैंने कुछ काजू बादाम और किशमिश लिया है, इनको बारीक कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कट करके रख लिया है, चलो अब शुरू करते हैं लड्डू बनाना। और यहाँ पर मैं पहले बेसन के लड्डू बनाऊंगी, तो मैं बेसन को अच्छी तरीके से घी में पहले भून लूँगी। और ना मेरी ना लड्डू बनाने वाली वीडियो जिसमें मैंने लड्डू बनाए थे ना दोनों, पता नहीं वो कैसे फ्रेंड्स डिलीट हो गई है, तो मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं और वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो अभी ना ये शाम का ब्लॉग है, शाम से स्टार्ट हो रहा है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मेहंदी वड़ा। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही दाल को जो है पीस के रख लिया है, और बाकी की पीस रही हूँ मैं अभी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये देखो उड़द की दाल ली है मैंने, इसको पहले मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगा दिया था, उसके बाद में मैंने इसको मिक्सचर में पीस लिया है, और इसमें ना मैंने जो नारियल होता है ना गीला वाला नारियल, उसको मैंने थोड़ा बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड किया है, और
जो कड़ी पत्ते हैं उसको ऐड किया है। तो आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने हरी मिर्ची ऐड नहीं की है क्योंकि काव्या भी खाएगी। और फिर इसके बाद में स्वाद के अनुसार मैंने नमक लिया है और इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम अच्छे से, ताकि इसके जो हम बनाएंगे मेंदू वड़े बनाएंगे तो वो अच्छे से मतलब बन जाने चाहिए। और मैंने ना थोड़ा सा पानी में इस तरीके से डाल के देखा था कि वो ऊपर तैर रहा है या नहीं, तो वो काफ़ी अच्छे से बैटर बन चुका है। फिर उसके बाद में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो है और फ्राई करने के लिए ले लिया है। तो ये देखिए हमारे जो मेंदू वड़े हैं वो बनकर रेडी हैं। और ये देखिए, और पहली बार बनाए हैं मैंने तो थोड़े से ना मतलब आड़े तिड़े बन गए हैं, लेकिन फिर भी पहली बार बनाए बहुत अच्छे और टेस्टी बने थे। और चलो कर लेते हैं गर्मा गर्म नाश्ता। तो ना ये रात का व्लॉग है, जब हम लोग मार्केट गए थे धनतेरस के पहले का है ये व्लॉग। हम लोग गए थे कुछ बर्तन वगैरह लेने के लिए धनतेरस के लिए, और मेरे यहाँ पर ये दिवाली के लिए हम लोगों ने झाड़ू ली है, दिवाली में पूजा करते हैं ना झाड़ू की, तो वो झाड़ू ली है। और यहाँ पर हम लोग देखने गए हैं फ्रिज, क्योंकि हम लोग इस बार सोच रहे हैं फ्रिज लेने के लिए, तो यही देख रहे थे कि कौन सी अच्छी फ्रिज है। अब इस बार हम लोग लेने वाले हैं फ्रिज, ये देखिए वही फ्रिज देख रहे थे हम लोग, और यहाँ काव्या पसंद कर रही है।